दर्शन न्यूज। बिहार के सारण जिले में महाराजगंज के सांसद के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूंके गए पुतले, महाराजगंज के सांसद पर बनियापुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज माजी में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय माजी बाजार से नारे लगाते हुए माजी चट्टी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने सांसद पर दर्ज हुए प्राथमिकी को वापस लेने तथा मुख्यमंत्री तथा लालू प्रसाद के होश में आओ सनातनी सरकार, होश में आओ तथा सनातनी सरकार इस्तीफा दो सहित कई नारे भी लगा रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार सरकार के आदेश पर सांसद के विरुद्ध बनियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर डराना चाहती है। सरकार के इस कारनामे से न तो सांसद डरने वाले हैं, न ही कोई कार्यकर्ता डरने वाले हैं। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उक्त मौके पर माजी मंडल अध्यक्ष बबलू शर्मा, त्रिलोकीनाथ सिंह, रमा शंकर मिश्र, हेम नारायण सिंह, प्रोफेसर शिवाजी सिंह, अमरनाथ तिवारी, जनार्दन सिंह, प्यारे अंगद, मनोज प्रसाद, जय किशोर सिंह, हरीश तिवारी, प्रशांत ओझा, संजय सिंह, अमित सिंह, अनिल राम, चंदन शाह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के नाम पर जो कि दुनिया देखती है, तमाम क्षेत्र के जनता सारे चीज को देख रही है और देखती है कि प्रत्येक पूजा पंडालों पर श्रद्धा पूर्वक माननीय सांसद जी जाते हैं, वहाँ की समिति के लोगों से शांतिपूर्वक और पूजा पाठ की व्यवस्था में खुद लगते हैं, करते भी हैं और करवाते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई क्या मतलब कि आशा कर सकता है कि पूजा के नाम पर और तुष्टिकरण की राजनीति में जो डूब चुकी है बिहार की सरकार, ये माननीय सांसद पर बार बार हमला कर रही है और इसी कड़ी में इन्होंने एक झूठा मुकदमा दायर किया। जबकि विदित है कि थानाध्यक्ष कोई चीज़ सीज करते हैं और अपने बॉन्ड भरवा कर फिर छोड़ते भी हैं, इसमें माननीय सांसद की भूमिका कहाँ है? दूसरी बात है कि कोई भी थानाध्यक्ष या फिर मैं तो कप्तान, पुलिस कप्तान महोदय के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि बिना नीतीश कुमार के दबाव में, पूरे राजनीतिक दबाव में ये झूठा साजिश रच के कि अब उस समय तो वो लोग सफल नहीं हो सके और ये चाहते हैं कि अब इस तरीके से इन्हें जेल में डाल दिया जाए। और हम लोग मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी माझी से मांग करती है कि झूठे मुकदमे को वापस लिया जाए, नहीं तो ये अभी सड़क पर हम लोग इस लड़ाई को ले आए हैं और इससे आगे भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस सरकार को बेनकाब करेंगे और इसको उखाड़ फेंकने का हम आह्वान करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बबलू शर्मा, मैं मंडल अध्यक्ष माझी मध्य। मतलब क्या कहेंगे उस पर? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार तुष्टिकरण की सरकार बन गई। आज इनकी तुष्टिकरण नीतियों के चलते सनातन धर्म को तरह तरह ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल मीडिया वाले भी इस चीज को कवरेज कर रहे थे, कोपा या बनियापुर में जो भी मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा था शांतिपूर्ण ढंग से विदाउट डीजे, जो हमें गाइडलाइन प्रशासन के तरफ से मिला था, उस गाइडलाइन के आलोक में मूर्ति विसर्जन हो रहा था, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हमारे मीडिया बंधु भी किए हैं कि बहुत ही शांति ढंग से विसर्जन हुआ। लेकिन प्रशासन को पता नहीं किस बात से चीड़ थी या ऊपरी जो दबाव था, उस दबाव के तहत जहां तहां जो भी सनातन धर्मी थे, जो भी विसर्जन में भाग लिए हुए थे, उन पर अनर्गल रूप से केस किया गया। जैसे कोपा में 12 व्यक्तियों पर, निर्दोष व्यक्तियों पर केस किया गया, बनियापुर में 17-18 व्यक्तियों पर केस किया गया, यहाँ तक कि हमारे माननीय सांसद के ऊपर भी झूठे तौर पर, फर्जी तौर पर केस किया गया। और आज उसी के मांग में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार को होश दिलाने के लिए उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, यदि फर्जी ढंग से हमारे सांसद जी को जिस तरह से फंसाया गया है, यदि इस केस को निष्पादित नहीं किया जा रहा है तो आगे और भी बड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। क्या नाम है सर? हेम नारायण सिंह, माजी विधानसभा अध्यक्ष। नीतीश कुमार की बड़बड़ सरकार ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर किया है। वहाँ मामला ये था कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो थे बॉन्ड भरवा के
और दरोगा से वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से गाड़ियों को छुड़वाए थे। वो भी गाड़ी उस दिन नहीं छूटा, अगले दिन सुबह छूटा। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति नीतीश कुमार के प्रेशर में, बिहार सरकार के प्रेशर में उनको फर्जी केस किया गया और फर्जी केस में फंसाया गया है। बिहार की यह सरकार दुर्गा पूजा जो हमारा बहुत बड़ा पर्व है उससे इसको परेशानी है, सनातन धर्म से परेशानी है, इस बिहार सरकार को हिंदुओं से परेशानी है। लेकिन यह सनातन धर्म न कभी टूटा है न कभी झुकेगा, यह अनवरत जो है आगे बढ़ते रहेगा। 8 साल का मुगलों का शासन, 200 साल का अंग्रेजों का शासन, इसको झुकाने की कोशिश की, इसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ये कसम हम लोग खाते हैं कि यह ख़त्म होने वाला धर्म नहीं है। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के विरुद्ध जो केस किया गया है वो फर्जी है, एकदम जो है बेहियात है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का इससे कोई मतलब नहीं है। और हम यह शपथ लेते हैं कि जब तक इस निकम्मी बिहार सरकार को, लालू नीतीश की भ्रष्ट सरकार को, दोगली सरकार को जब तक बिहार से हटाएंगे नहीं, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। और अनवरत हमारा यह कार्यक्रम चलता रहेगा, और जब तक यह सरकार नहीं हटेगी हम जो है जनता के बीच जागरूक रहेंगे और विरोध प्रदर्शन हमारा लगातार चलता रहेगा। क्या नाम है सर? केस के विरोध में शिवाजी सिंह। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से कह रहे हैं कि यार राजनीतिक केस है, ऐसा कोई मामला था ही नहीं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तो कानून के पालन करने वाले व्यक्ति हैं, वो कानून कभी तोड़ते ही नहीं है। लोग जो है गलत तरीका से प्रशासन पे दबाव बनाया गया कि इस आदमी को फंसाया जाए, इस पे केस किया जाए, और प्रशासन ने राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में आके उन पे केस किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आप लोग पुतला दहन किया है, इस पे क्या कहना है? हमको यही कहना है कि यह जो है नीतीश कुमार चाचा भतीजा की सरकार जो है ये बिल्कुल बर्बर सरकार है, निरंकुश सरकार है, और जनता के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील सरकार है, जिसको जनता से, समाज सेवा से मतलब नहीं है, केवल जो है अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार फैलाने से मतलब है। और कानून बिल्कुल इस देश में कोई कानून नहीं रह गया है, और यह जो है सरकार जो है सनातनी को फंसा रही है। जैसा कि 26 तारीख को दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद हमारे आदरणीय माननीय सांसद महोदय को जो है झूठा केस में फंसाया गया, यह दुर्भाग्य का विषय है। सभी लोग उनके स्वभाव को जानते हैं और पूरा समाज जानता है कि किस तरह के अनुशासन का पालन करते हैं, और सबसे मिलजुल कर जो है एक आपसी कोऑर्डिनेशन बिठा कर चलने वाले वो जो है एक जनप्रतिनिधि है, सांसद है हमारे, और उन पर जो है झूठा केस करके जो है फंसाया गया है, और सनातनी को फंसाया गया, और इस पर कर दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और लोकतंत्र की जनता जान रही है कि यह जो है चाचा भतीजे की सरकार जो है बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है, जिसको सेवा से मतलब नहीं है, उसको मेवा चाहिए, और अनाचार, दुराचार, पापाचार फैला रही है, रूस कठोर आगजनी बम विस्फोट करा रही है, और पूरा जो है बिहार त्रस्त है, और इसको ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का जो है सनातनियों पर केस करके जो है, और जो है एक हिंदू सनातन शक्ति को मैंने कमजोर करने का जो है एक सफल प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि सनातनी जग चुके हैं, आने वाले समय में इसको जवाब जनता देगी। जनता लोकतंत्र की, जनतंत्र की मालिक है, और यह लड़ाई जो है अभी जो है यहाँ पुतला फूकने का